तो अगर आपकी गाड़ी भी मारुति की है एंड आप लोग कंफ्यूज हो कि आपकी गाड़ी में अगर रिजर्व लग जाए तो उसके बाद गाड़ी कितने किलोमीटर तक चलेगी, तो मैंने आप सभी के लिए जो है एक लाइव टेस्ट करा, अभी बीते 2-4 दिन पहले करा मैंने टेस्ट, एंड मैं फाइनली रिजल्ट्स के साथ आ चुका कि हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी अगर आपकी गाड़ी रिजर्व लग चुकी है। तो मेक श्योर करेंगे आप वीडियो पूरा एंड तक देखें ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। जस्ट बत्ती जली है हमारी गाड़ी में पेट्रोल की, तो अब हम लोग क्या करने वाले, मैंने कर दिया ट्रिप जीरो एंड यहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि आखिरकार ये जो ट्रिप है बिल्कुल कहाँ जाके तेल खत्म होता है। अब वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारी गाड़ी जो है वो 37 लीटर्स की कैपेसिटी होती है इन टोटल, एंड कंपनी ये क्लेम करती है लगभग आपकी गाड़ी में 3-4 लीटर तेल जो है वो रिजर्व में रहता है। बट कहीं भी ये मेंशन नहीं है, कहीं भी प्रूफ नहीं है कि भाई ये चीज सही में है या नहीं, तो इसी को पूरा फाइनलाइज करने के लिए कि भाई वाकई में ऐसा प्रूफ है या नहीं है, तो हम लोगों ने पूरी वीडियो बनाई। देख सकते हैं कि जो हमारी MID है ये साइड जो है फ्यूल का गॉज है, एंड मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट वाला डॉट है अगर केवल ये बचा होगा तो तभी आपकी गाड़ी में जो है फ्यूल की बत्ती जल जाएगी। देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये वाला सिनेरियो हो चुका था। बट दोस्तों यहां से जो है वो स्टार्ट होता है हमारा रिजर्व, यानी कि जैसी आपकी लाइट जल जाएगी तो वहां से आपका रिजर्व होना काउंट स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि वो जो बत्ती जलती है तब आपका रिजर्व काउंट होता है, यानी कि वहां से आपको गाड़ी बताने लगती है कि फ्यूल खत्म हो रहा है। बट वहां पे फ्यूल खत्म नहीं होता, यानी कि वहां से लेकर आपका एक सेकेंड स्टेज भी चालू होती है जहां पे ये जो डॉट है वो ब्लिंक करेगा, यानी कि आपका एक स्टेज है जहां पे गाड़ी बताती है रिजर्व लग गया है, एंड सेकेंड स्टेज है जहां बताती है कि अब रिजर्व भी खत्म होने वाला है। तो इन दोनों की अगर मैं रेंज की बात करूं जहां पे रिजर्व लगता है और जहां पे सेकेंड स्टेज आती है जहां पे रिजर्व ब्लिंक करने लगता है, तो उसकी जो रेंज है वो आती है 30 किलोमीटर की। मेरी गाड़ी जो है वो 30 किलोमीटर चली, सिटी में चली 30 किलोमीटर में। अगर मैं समझता हूं अगर मैं ये हाईवे पे चलाता तो, क्योंकि मैं सिटी पे लगभग एवरेज 13.5-14.5 लमसम दिखा रहा था, हाईवे पे ये 18 हो जाता, तो मेरे हिसाब से ये 40-45 किलोमीटर हाईवे पे चल जाती अगर मैं इसको 80 की स्पीड में चलाता। तो लगभग मैं सिटी का भी एवरेज लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मेरे पे प्रूफ है। तो 30 किलोमीटर का आपका पीरियड रहता है जहां पे आपकी गाड़ी जो सेकंड स्टेज पे पहुंचती है रिजर्व से लेके रिजर्व खत्म होने तक की स्टेज पे 30 किलोमीटर। उसके बाद आपकी जो सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है उसमें क्या होता है कि जो आपका वो डॉट है वो भी ब्लिंक करने लगता है, यानी कि अब फाइनली गाड़ी बता रही है कि भाई अब गाड़ी में बहुत नाम मात्र को पेट्रोल बचा है, भाई पड़वा लो नहीं तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो जो सेकंड स्टेज होती है हमारी, जो आपका रिजर्व ब्लिंक, रिजर्व के सेकंड स्टेज जहां पे रिजर्व ब्लिंक होने से खत्म होने तक वो जो रेंज होती है वो मेरी रेंज निकली लगभग 15 किलोमीटर के आसपास। तो अगर मैं टोटल रेंज की बात करूँ कि आपकी गाड़ी कितनी रिजर्व में चलती है, तो वो चलती है आपके लगभग 45 किलोमीटर सिटी में, एंड अगर मैं हाईवे की बात करूँ तो लमसम मेरे हिसाब से 80 किलोमीटर हाईवे पे आराम से गाड़ी खिंच जाएगी। तो इस वजह से कभी भी अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आपको टेंशन लेने की नहीं जरूरत है, आप आराम से गाड़ी 80 किलोमीटर तक हाईवे वगैरह पे खींच सकते हो। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना कि फ्यूल खत्म हो रहा है, आप अपनी गाड़ी नॉर्मल करके चलाओ, थोड़ा सा AC वगैरह बंद कर लो तो गाड़ी अच्छा दे देगी। एक और चीज बता दूं मैं आपको कि इस जितना भी सिनेरियो बताया इन सभी सिनेरियो में AC हमेशा और हमेशा ऑन रहा है। तो आप ये भी देख सकते हैं अगर मैं AC बंद कर देता तो हो सकता है कि थोड़ा सा गाड़ी और ज्यादा चल जाती। दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो कि आपको बताना था कि रिजर्व में गाड़ी कितना चलती है। पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑल अबाउट कार्स आपके लिए ऐसी जो है रियल लाइफ जितने भी टेस्टिंग है वो करता रहता है ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी अपनी गाड़ी से रिलेटेड ना हो। तो ऐसी वीडियोस, अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो ऑल अबाउट कार्स चैनल को। टिल देन मी आर साइनिंग ऑफ, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, ऑलवेज ऑलवेज ड्राइव सेफ।